बड़े बड़े बदमाशों का एनकाउंटर का दम भरने वाली पुलिस का एक ये भी चेहरा देखिए। महिलाओं के ऊपर जोर आजमाइश करने वाली यूपी की खाकी का एक रंग ये भी है। कैसे नाबालिग बच्चों और महिलाओं को जीप में ठूसा जा रहा है, महिलाओं के हाथ मरोड़े जा रहे हैं, औरतों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर जिले की हैं, जहां अतिक्रमण का विरोध करने के बाद यूपी पुलिस हैवान बन गई, न खाकी की इज्जत रखी न ही महिलाओं का सम्मान। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब अमला फोर लेन की जद में आ रहे गरीबों के आशियाने को बिना सूचना दिए प्रशासन घर तोड़ने पहुंचा, जिसका विरोध गांव वाले करने लगे। जमकर हंगामा हुआ, पुलिस वालों के साथ झड़प और बहस हुई। घरों और दुकानों के अंदर सामान रखा था, लेकिन देखते ही देखते उसे खंडहर में बदल दिया गया। ये जो जबरदस्ती यहाँ रोड बनवा रहे हैं, इसका भी मुआवजा भी नहीं मिला है। आज प्रशासन और शासन दोनों मिल गए, हमारा सारा मकान वकान तोड़ गए, जबकि इसका मुआवजा अभी तक दिया नहीं है। महिलाओं के साथ जब बदसलूकी को लेकर सवाल किए गए तो एसडीएम ने माना कि मजबूरी में ये कदम उठाया गया। कुछ लोग रास्ते में आ रहे थे तो उनको हटाने के लिए महिला पुलिस के द्वारा उनको हटाया गया। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, बट कोशिश की यही की गई कि किसी का कोई ज़्यादा परेशान ना किया जाए और शांतिपूर्वक ही चीज़ों को हटाया। देश के सबसे बड़े सूबे की ये कैसी मजबूरी थी कि महिलाओं बच्चों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। जिन्हें घरों में होना चाहिए था उन्हें थानों में पहुंचा दिया गया।